अधिकार है, लेकिन यहाँ में कम्युनल टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ में कम्युनल टेंशन नहीं होना चाहिए। ये आपका जो आज परिस्थिति है, ये बात आपको आज जो मुहैया नहीं मिल रहा है, माई नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, ये बात जाकर मैं मिजोरम गवर्नमेंट से बात करूंगा, मैं त्रिपुरा गवर्नमेंट से बात करूंगा। और दोनों शायद आपको मालूम नहीं है, कंचनपुर से जाकर अगरतला में मैं त्रिपुरा इंडिजिनियस लॉयर्स एसोसिएशन से मिल रहा हूं। हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 21 में आप किसी का खाना नहीं रोक सकते हैं, आप किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान का संविधान के खिलाफ है कि आपका राशन रोक दिया गया है। मैं अगरतला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जल्द से जल्द फाइल करने वाला हूँ। और जहां बात रहा ब्रू रियांग कम्युनिटी का, आज ब्रू रियांग कम्युनिटी को शायद मालूम नहीं है, लेकिन इतिहास में जो त्रिपुरा का महाराजा था, रेंग का महारानी भी ब्रू था, रियांग था एक टाइम में। ये राज्य ये आपका है। और मुझे बहुत खराब लगता है, मुझे दिल से बहुत खराब लगता है कि हम लोग अपने ही देश में, अपना ही राज्य में, अपना ही दौखा में हमको कोई बोले कि हम लोग रेफ्यूजी है। नहीं, ये जगह आपका है। प्रद्युत विक्रम माणिक्य बोल रहा है कि ये आपका जगह है। हमारा जो ब्रू कम्युनिटी है, रियांग कम्युनिटी है, जब डुम्बुर हुआ तो बहुत लोगों को बाहर कर दिया गया डुम्बुर से। पट्टा नहीं था, आप लोग जो झूम करते थे यहां से वहां गए। मैं मिजोरम के सरकार से, मुख्यमंत्री से जाकर मिलूंगा इसी महीने में। मैं जाकर कि अगर आप हमारे रियांग कम्युनिटी को सुरक्षा नहीं कर सकते हो और इतने साल से नहीं किया है, तो त्रिपुरा में बहुत जगह, त्रिपुरा में बहुत जगह है। कंचनपुर में महारानी कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जगह दिया और वहां में वो रहे, किसी को आपत्ति नहीं है। जब नोआखाली में प्रॉब्लम हुआ, महाराजा बी विक्रम ने यहां में जगह दिया, किसी को आपत्ति नहीं है। आज सीएबी का बिल पास हो रहा है, हम लोग आदमी को बाहर से, दूसरे देश से यहां ला रहे हैं, लेकिन अपना थुई, अपना ब्रू, अपना रियांग समाज को, आप लोग रेफ्यूजी नहीं है, आप लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप लोग डिस्प्लेस्ड है। डुम्बुर से बाहर किया, आप मिजोरम गए, मिजोरम से बाहर किया कंचनपुर, कंचनपुर से बाहर करके आपको कहीं नहीं भेजा जाएगा, नहीं मैं त्रिपुरा हाई कोर्ट जा रहा हूं। और ब्रूनो, यहां में मीडिया भी है, आई अपील टू द मीडिया, हर चीज को सेंसेशनलाइज मत कीजिए। मैंने अपना पॉलिटिकल पार्टी छोड़ा क्योंकि मुझे कहा गया कि आप अपने जाति के संग कॉम्प्रोमाइज करो, पद रखो, पोस्ट रखो और अपना मुंह बंद रखो। मैंने अपना पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि आप लोग से मैंने किया। आज भी मैं आपको
एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको दिल से प्यार किया है, और यहाँ में देबर्मा है, नोतिया है, रंगफल है, जमतिया है, कलोई है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज रियांग का संग ये हुआ है, कल देबर्मा का संग होगा, परसों जमतिया का संग होगा, थंचा अंगदी, थंचा रखो, आज आप लोग अपना ही हाँ में अगर कोई आपको रेफ्यूजी बोलेगा तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ में आप को बहुत लोग उकसाने का कोशिश करेगा, लेकिन ये कम्युनल सिचुएशन नहीं है, ये जमीन का बात है, और जमीन हम आपको त्रिपुरा में देंगे। ब्रूनो मैंने बात किया है, फिलिप से बात किया है, आपका यंग ब्रू एसोसिएशन से बात किया है, अगर कुछ जमीन है यहाँ में तो गुबागरा अपना पॉकेट से रुपया खर्चा कर थोड़ा जमीन खरीद के आप लोगों को जगह देगा पट्टा के साथ। आप लोग जगह आइडेंटिफाई कीजिए, महाराजा अपना पॉकेट से रुपया खर्चा करके आपको थोड़ा थोड़ा जमीन देगा। अगर आपको मिजोरम नहीं जाना है, किनको जाना है मिजोरम, किसको नहीं जाना है, गुबागरा अकेला है, लेकिन जितना गुबागरा कर सकेगा आपको पट्टा के साथ जमीन त्रिपुरा में मैं दूंगा। और मीडिया, लेट मी रिक्वेस्ट यू वन थिंग, मीडिया यहाँ में है, मैं मीडिया से एक बात पूछना चाहता हूँ, कंचनपुर में 5-6 महीने पहले बीएसएफ के लिए 2,700 एकड़ जमीन देने का बात हुआ था, 2,700 एकड़ जमीन बीएसएफ फायरिंग रेंज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग बीएसएफ को 2,700 एकड़ जमीन दे सकते हैं, तो अपना ब्रू लियांग कम्युनिटी को थोड़ा जमीन क्यों नहीं दे सकते हम लोग, ये न्याय नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये मीटिंग होने के बाद मैं डीएम से भी मिलने जा रहा हूँ, आपका कंचनपुर का एमएलए प्रेम सदन लियांग, उनसे भी मैंने बात किया है, यहाँ में कोई पार्टी नहीं है, ओनली जाति है, और गुबागरा आपके लिए हमेशा हमेशा लड़ेगा। बहुत लीडर लोग आकर यहाँ में लंबा सा भाषण देगा, उसके बाद सब चला जाता है। ब्रूनो परसों मेरियम आप भी है, सेविका है, आप आकर हमसे मिलिए राजबारी में, और ये समस्या का हल मैं निकालने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर आपके पास खाने का प्रॉब्लम है और चाहिए माई दाल चाहिए सब्जी चाहिए, आइए, मैं आज ही आपको रुपए देकर कुछ सुविधा देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ में आप वायलेंस मत कीजिए, यहाँ में मैंने सुना था कि कोई लोग ने बोला कि महाराजा को काला झंडा दिखाया जाएगा, ये प्रॉब्लम रियांग और बंगाली के बीच में नहीं है, ये प्रॉब्लम त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में है, मैं मिजोरम से बात करूंगा, त्रिपुरा से बात करूंगा, यहाँ में कम्युनल सिचुएशन नहीं होना चाहिए, शांति आप लोग रखो, क्योंकि अगर शांति भंग हुआ तो जो असली मुद्दा है, जो ब्रू रियांग दफा समाज का है, वो हट जाएगा। इसके लिए आप लोग
डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। मैं आपको दिल से प्यार करता हूं और जब तक मुबादला है ये हाँ आपका है और वो चीनी हाँ, ये हाँ आपका है, ये राज्य आपका है, आपको ये राज्य से कोई बाहर नहीं कर सकता है। मिजोरम के बॉलीवुड में हम आए खुलूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।